गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ हेट्रोसाइक फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए हमने बात करी थी कि हम कैसे उसमें बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे और देन फाइनली उसके अंदर नंबरिंग करके हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया ये वाला, ये वाला। अब देखिए किसके अंदर, पहली बात तो ये है कि बेस कंपोनेंट कौन होगा और अटैच कंपोनेंट कौन सा होगा। तो देखिए, आप इसमें तीन नाइट्रोजन देख करके ये मत कहना कि ये तीन रिंग, फाइव मेंबर रिंग इसमें बेस कंपोनेंट होगी। नहीं, इसमें आपने जब रूल्स पढ़े होंगे तो देखना कि जो लार्जर नंबर ऑफ रिंग्स हैं, मेंबर ऑफ रिंग्स हैं, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो रिंग बेस कंपोनेंट होती है। तो यहाँ पे ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग सिक्स मेंबर है और ये वाली रिंग फाइव मेंबर है, तो इसलिए ये बेस कंपोनेंट होगी और ये वाली अटैच कंपोनेंट होगी। बेस कंपोनेंट की जो नंबरिंग है वो हमेशा ए बी सी डी से की जाती है और अटैच कंपोनेंट की 1 2 3 4 5 से की जाती है। अब बात ये आती है कि हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए, नंबरिंग हमेशा इंडिविजुअल करी जाती है। अब जैसे मान लीजिए ये वाली रिंग है, इस रिंग को मैं इधर लिख लूँ साइड में ऐसे, एक बार समझने के लिए, बाद में तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वाली रिंग है, यहाँ पे आपको सारे सारे कार्बन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से शुरू करेंगे। ओके, तो अब हम इसको किधर भी ले जा सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन की जो ये जो बॉन्ड है, क्योंकि इसमें बॉन्ड को नंबरिंग की जाती है, तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो क्या हो जाएगी, इसको ए ए बोलेंगे, इसको बी सी डी ई और एफ। ओके, लेकिन इस अटैच कंपोनेंट की जो नंबरिंग है वो किससे की जाती है, वो की जाती है 1 2 3 4 5 से। तो देखिए, 1 2 3 4 5 से करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है, इससे नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके यहाँ तो नाइट्रोजन है लेकिन इसके वो टू नंबर पोजीशन पे ना तो इधर नाइट्रोजन है ना ही इधर नाइट्रोजन है। तो हमें क्या करना है कि सारे नाइट्रोजन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो देखो, अगर इधर से करता हूँ 1 2 3 4, ओके, तो नाइट्रोजन को तो वही 4 मिल रहा है, इधर से करेंगे तो भी 1 1 2 3 4 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फिर फ्यूज़न पॉइंट को भी तो अपन थोड़ा बहुत देखेंगे। तो फ्यूज़न पॉइंट को मतलब क्या है कि इधर से 4 नंबर मिल रहा है, फ्यूज़न पॉइंट का मतलब जहाँ पे दोनों रिंग जुड़ रही है, इस वाले पॉइंट को कितना नंबर मिल रहा है, 4 पॉइंट मिल रहा है। जबकि मैं अगर इसकी नंबरिंग इधर से करता हूँ, जैसे मान लो मैंने इसको हटा दिया, अगर मैं इसकी नंबरिंग इधर से करता हूँ 1 2 3 और 4, तो अभी भी नाइट्रोजन की पोजीशन तो 1 2 4 ही है, लेकिन फ्यूजन नंबर कितने पॉइंट पे आ रहा है, जहाँ पे जुड़ाव हो रहा है वो 3 नंबर पे, इसलिए ये वाली नंबरिंग सबसे बेस्ट रहेगी, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको नंबरिंग कैसे करेंगे। देखो, ये अटैच कंपोनेंट को पहले बोलेंगे, तो अटैच कंपोनेंट का सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नाम क्या होगा, ट्राई अजोलो। क्या बोलेंगे इसको, ट्राई अजोलो। ट्राई अजोलो क्यों, ट्राई तीन नाइट्रोजन है और ओल किसके लिए बोलते हैं, फाइव मेंबर रिंग के लिए, अनसैचुरेटेड के लिए, ट्राई अजोलो। अब ये देखो किधर से किधर जा रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपने ए बी सी डी किस तरीके, तो ए बी सी डी किस तरीके से, ए के बाद में इधर बी आ रहा है, तो इधर ऊपर से मतलब ए के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो अपन इसको क्या कहेंगे। देखिए, इसमें भी हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, क्या कर दी कि ये ए बी सी डी है, इसमें हम थोड़ा सा फ्यूजन पॉइंट को भूल गए, बाकी फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा था, लेकिन हम भाई ए ये है तो फिर हम बी की तरफ जाएंगे ना, बी सी डी ई, नाइट्रोजन का एक नंबर है तो इधर की तरफ चलेंगे, तभी तो फ्यूजन पॉइंट को कवर करेंगे, ए बी सी डी। तो देखिए किधर से किधर जा रहा है, ए से बी की तरफ, पहले 4 आ रहा है फिर 3 आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, 4 3, और फिर ये क्या है, ए, इसको क्या बोल देंगे अपन, पीडीडी। इस तरीके से, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल अपन देखें,
सल्फर और एच। अब ये भी सिक्स मेंबर, ये भी सिक्स मेंबर, लेकिन इसमें दो टाइप के नाइट्रो, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, लेकिन इसमें सल्फर है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? बेस कंपोनेंट। ये वाला कौन हो जाएगा? बेस कंपोनेंट। और ये कौन हो जाएगा? अटैच कंपोनेंट। अब इसमें देखो, नाइट्रोजन और सल्फर की कंपेरेटिवली सल्फर को ज़्यादा नंबरिंग मिलेगी। अब सल्फर से मैं इधर से जाऊँ चाहे इधर से जाऊँ, दोनों तरफ नाइट्रोजन को फोर नंबर मिल रहा है, लेकिन इधर फ्यूजन पॉइंट पहले आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले फ्यूजन पॉइंट की तरफ चलूँगा। तो इसको नंबरिंग कैसे देंगे आप? ए बी सी डी और ई और एफ, मतलब फ्यूजन का जो बॉन्ड है उसको बी मिल रहा है। ओके ओके क्लियर। और इसमें क्या है, अपने को नाइट्रोजन से शुरू करना है और फ्यूजन पॉइंट की तरफ चलना है। वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। तो अब इसमें अटैच कंपोनेंट क्या है? पीरीडीन। तो इसको क्या बोलेंगे? पीरीडोम। और इसको बोलेंगे ऐसे भी की तरफ चल, थ्री फोर, थ्री फोर बी बी, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन पॉइंट में जो बॉन्ड आ रहा है उसको बी मिला है। और ये क्या हो जाएगा? थायाजीन। थायाजीन ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, ये वाला कंपाउंड है। इसके अंदर भी देखिए, फाइव मेंबर और सिक्स मेंबर, तो सिक्स मेंबर रिंग को बेस कंपोनेंट बोलेंगे, इसको अटैच कंपोनेंट। ये आपका बेस कंपोनेंट होगा, ये आपका अटैच कंपोनेंट होगा। अब इसमें वही वाली बात है कि आप कहाँ से शुरू करेंगे। देखिए वन टू थ्री, ये भी वन टू थ्री है, वन टू थ्री, ये भी वन टू थ्री है, तो इधर से शुरू कर देंगे क्योंकि इधर फ्यूजन पॉइंट पहले आएगा। तो ए बी सी डी ई और एफ। और इधर नाइट्रोजन किससे शुरू करेंगे? सल्फर से। इधर वन टू थ्री आ रहा है, उधर से वन टू थ्री फोर आ रहा है, ध्यान रखना। तो अपने को इधर से जाना है क्योंकि फ्यूजन पॉइंट से पहले अपन नाइट्रोजन को वरीयता देंगे। तो वन टू थ्री फोर और फाइव। तो ये क्या है? अटैच कंपोनेंट क्या हो जाएगा? थायाजो, थायाजोलो, फाइव नंबर ठीक है ना, और फोर फाइव बी। और ये हो जाएगा पिरामिडीन, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मिथाइल अमीनो पिरामिडीन, पिरामिडीन, पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन इस तरीके से। और इसकी ओवरऑल नंबरिंग के हिसाब से इसको अपन देख लेंगे, वन टू, वन टू थ्री फोर के बोलेंगे इसको। ये इस तरीके से इसका नंबरिंग चल कर सकते हैं।